ले लीजिए मैडम आपकी सब्जी। पेटीएम नंबर? मैडम वहाँ बोर्ड पे है लिखा हुआ, उस पर कर दीजिए। अच्छा ठीक है, 8954-3259। गोपाल नाम आ रहा है। गोपाल ठीक है, ये देखो हो गए। एक मिनट मैडम, जरा मुझे चेक कर लीजिए। मैडम लेकिन मेरे मोबाइल में तो पैसा आया ही नहीं। ऐसे कैसे नहीं आए, मेरी तरफ से तो कट गए हैं और नाम भी गोपाल आ रहा है। जरा दिखाई तो मैडम इसके। अरे मैडम ये तो आपने किसी गलत नंबर पे कर दिया, लास्ट में 9 है जबकि वहाँ 4 लिखा हुआ है। लेकिन भैया नाम तो गोपाल ही आ रहा है, फिर ऐसे कैसे हो सकता है? अरे मैडम हो सकता है 9 नंबर वाले का नाम भी गोपाल ही होगा। एक काम कीजिए ना, उससे कॉल करके बात कर लीजिए। हाँ सही कह रहे हो आप, कॉल करती हूँ इसे। हेलो, आपका नाम गोपाल है? भैया मैंने ना आपके अकाउंट में गलती से 500 रुपए डाल दिए, प्लीज भैया वापस कर दीजिए इसी नंबर पर। भैया फिर एक काम करो, मुझे आप कैश दे दीजिए। क्या मध्य प्रदेश? चलो ठीक है भैया कोई बात नहीं। क्या यार सुबह सुबह नुकसान कर दिया मैंने अपना, सॉरी शायद मेरी ही गलती है, मैंने ही 9 डाल दिया होगा। मैं एक काम करती हूँ, आपको कैश ही दे देती हूँ। ये पकड़िए। कोई बात नहीं मैडम, आते रहिएगा मैडम, वैसे हैप्पी दीपावली। ये लीजिए सब्जी साहब। चल भाई सब्जी तो बढ़िया दी है ना। अरे हाँ सर बिल्कुल सही सब्जी है। अच्छा पैसे कितने हो गए? 2000 रुपए। किस पे डालने हैं पैसे? सर वो पेटीएम नंबर है उस पे डाल दीजिए। क्या नंबर है? 8954-3259। गोपाल नाम आ रहा है ना? हाँ सर नाम सही है। चल भाई हो गए तेरे 2000 रुपए। एक मिनट सर मुझे चेक करने दीजिए। अरे सर मेरे खाते में तो पैसा आया ही नहीं, आपने किस नंबर पे पेमेंट कर दिया? अरे भाई पूरे गए हैं तेरे 2000 रुपए, ये देख गोपाल लिखा आ रहा है, स्क्रीनशॉट चेक कर ले। अरे सर नाम तो सही आ रहा है लेकिन ये क्या आपने नंबर गलत डाला है? सर देखिए इसमें लास्ट में 9 है जबकि वहाँ 4 लिखा हुआ है। एक मिनट रुक, मैंने तो सही नंबर देखा है, 8954-3259। यार पहले तो 9 था, 4 कैसे हो गया यहाँ पे? अरे सर मुझे लगता है आपकी दूरदृष्टि कमजोर है, इस कारण आपको 4 का 9 दिखाई दे रहा है, समझे? अच्छा तो मेरी नजर दूर की खराब है? अबे मेरी नजर खराब हो ही नहीं सकती, परसों ही मेडिकल टेस्ट पास करके मैं डीएसपी बनाऊ। डीएसपी? हाँ, और तुझे क्या लगता तूने मुझे पागल बना दिया? बेटे नहीं, जो थोड़ी देर पहले लड़की आई थी ना वो मेरी वाइफ है। क्या? समझ नहीं आ रहा कैसे हो सकता है। अरे क्या बात हो गई, क्या बात होगी, क्यों परेशान बैठी हो? सुनो जब मैं सब्जी वाले के पास सब्जी लेने गई थी ना तो मैंने उस सब्जी वाले को पेटीएम करा, जब मैंने पेटीएम नंबर डाला तो लास्ट में 9 था, जब दोबारा देखा तो 4 लिखा हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गलत नंबर डालने पर भी गोपाल नाम आ रहा था लेकिन वो सब्जी वाला नहीं था, कोई और ही था। तो तुमने उसे कॉल करके मांगे नहीं पैसे? हाँ कॉल किया था मैंने लेकिन वो पैसे देने के लिए मना कर रहा था, वो कोई और ही बंदा था। कोई और बंदा था? ऐसा कैसे हो सकता है, गलत नंबर डाला और नाम सही आ गया? ये तो बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंट है या फिर ये कोई चालबाजी है। एक काम करो तुम मुझे नंबर दिखाओ कौन से हो। ये देखो। उन्हें ये नहीं पता कि पुलिस वाले के पास पूरा डेटाबेस होता है, इसमें 9 है लास्ट में और उसके में 4 था। ठीक है 9 4। ये क्या, ये तो दोनों नंबर एक ही बंदे के नाम पर रजिस्टर्ड है, गोपाल वर्मा। क्या? और एड्रेस भी दिखा रहा है इसका, सब्जी वाले का। लेकिन उस सब्जी वाले ने तो साफ मना कर दिया और मैंने उसको कैश भी दे दिया। इसका मतलब वो सब्जी वाला ये सब गेम रच रहा है, लोगों को पागल बना रहा है। अब उसे पता चलेगी कि पुलिस वाले के साथ धोखा करने का क्या अंजाम होता है। ठीक है अभी उसे बताता हूँ। अरे साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, भारी चूक हो गई सर, मुझे नहीं पता था आप डीएसपी हैं, नहीं तो मैं ऐसा नहीं करता सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। बकवास बंद कर, मतलब मैं डीएसपी हूँ तो इसलिए गलती हो गई, और कोई आम आदमी होता तो लूट लेता, उसे तो पता ही नहीं चलती। अबे तू कहाँ से दिमाग लेकर आता है ऐसा कि कोई चोरी करने का तरीका तुम्हारा, लोगों को पागल बना रहा है। मेहनत कर ले
सब्जी बेच रहा अच्छी खासी, फिर ये जरूरत क्यों पड़ी इधर करने की? अरे साहब जी, वो मेहरौली में एक फ्लैट ले रहा था ना, तो मैं सोच रहा था कि कुछ ज्यादा पैसा कमा लूं तो इस कारण में, लेकिन मुझसे भूल हो गई साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पैसे वापस कर देता हूँ। बेटे बहुत ले लिया तूने फ्लैट, अब फ्लैट की जगह ना तू जेल में चक्की पीसेगा, ठीक है? चल मेरे साथ। अरे साहब माफ कर दीजिए, गलती हो गई। अरे भाड़ा चोरी करता है, भाड़ा लेके चलूंगा ना सारी अकल ठिकाने। चल गाड़ी में बैठ।